आए गए धैर्य के लिए उनकी सराहना की। दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों और वैश्विक स्तर पर महामारी के स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के प्रति एकजुटता व्यक्त की और एक दूसरे के देश में फंसे नागरिकों के प्रति दिखाए गए आपसी सहयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री ने गोंते को आश्वासन दिया कि भारत आवश्यक दवाओं और अन्य सामग्री की व्यवस्था करने में इटली को उदारता से सहयोग देता रहेगा। दोनों नेता भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए सहयोग करने पर सहमत हुए। इटली के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उचित समय पर इटली आने का एक बार फिर वो भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के सभी राज्यों के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को 3 माह के लिए अतिरिक्त खाद्यान्नों के वितरण का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने 51,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सभी राज्यों को 3 माह की अवधि के लिए 40 लाख टन प्रति माह की दर से लगभग 120 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन कर दिया है। इसके अलावा भारत सरकार खाद्यान्नों की ढुलाई और वितरण की लागत भी वहन कर रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली और गुजरात को गेहूं